तो ठीक है, हम लोग रोमन अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका हम लोग सबसे पहले रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास कंपलसरी ये है कि हम लोग को वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3। बहुत बढ़िया जवाब। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? 1। है ना? तो यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई साइन वगैरह नहीं लगा रहे। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बोल रहे हैं तो वो वैलेंसी 3 ही है। अगर आप प्लस 3 बोलेंगे तो प्लस 3 का मतलब ये होगा कि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो उसमें साइन लगा के बोलेंगे प्लस और माइनस। लेकिन अगर वैलेंसी बोलेंगे तो वैलेंसी में हम साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं। तो अगर हम बोलेंगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम बोलोगे प्लस 3, और यदि हम बोलेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो तुम बोलोगे 3। तो एल्यूमिनियम के लिए तो तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से पता हो गया है कि सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे तो वो प्लस 3 होती है। तो ठीक है, ये बात बहुत अच्छी सी पता पड़ गई। अब हम लोग बात करते हैं क्लोराइड की। तो क्लोराइड की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। वैलेंसी क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, छोटी क्लासेस में सारी बातें एक ही जैसी मानी जाती है। तो अगर आप विदाउट साइन कहना चाहें तो वैलेंसी को क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? 1। ओके, अब हम लोग को यहां पर ध्यान देना होगा कि छोटी क्लासेस में चाहे आप वैलेंसी कहें चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, क्लास 9-10 तक ये बातें सेम मानी जाती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3 और क्लोराइड की हो गई 1। तो रोमन बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? AlCl3। बिल्कुल सही बात, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ बेटा AlCl3। दैट मींस एल्यूमिनियम का जो 3 है वो चला गया क्लोरीन की तरफ और क्लोरीन का जो 1 है वो चला गया एल्यूमिनियम की तरफ। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड हो गया और उसकी वैलेंसी बन करके कंप्लीट हो गई और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया AlCl3। बहुत बढ़िया जवाब, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद अगर हम बेटा हम तुमसे पूछे कि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा, तो दो तरह के सोडा बेटा तुम्हारे कोर्स में बहुत ही कॉमनली नोन है जो तुमको हमेशा 24 घंटे अपने टिप पे लर्न करने होंगे। एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है जिसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, वो होता है NaHCO3 जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे या तुमने प्रीवियस नोट्स अपने निकालोगे तो मैंने तुमको ये बात काफी बार बताई है और तुमको अब लर्न करनी है, इसलिए अभी हम लोग रिवाइज कर लें, पहले रिवीजन कर लें। इसको हम लोग वार्म अप कहते हैं, पहले हम लोग वार्म अप कर रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है जिसमें Na2CO3 को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे तो ये इसका जनरल नेम है, लेकिन अगर हम केमिकल नेम बोलेंगे तो वो उसका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर हम बोले सोडियम बाइकार्बोनेट तो तुम बोलोगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कहां पे यूज होता है? केक को बनाने के लिए, क्योंकि जब हम केक बनाते हैं तो केक की प्रॉपर्टी होती है कि केक फूला होना चाहिए, जितना फूला होगा केक उतना अच्छा बना जाएगा। तो केक को फुलाने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकलती है वो CO2 उस केक को बबल्स के रूप में फुला करके रख देती है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा यूज करते हैं केक को बनाने के। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रोमन बताओ बेटा क्या होता है? NaHCO3। हाँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। हमारा बताना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको देखना होगा कि आप भी बताएं हमारे साथ। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट।
जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब तक तो तुम्हें फॉर्मूले तीन लर्न हो गए, एक एल्युमिनियम क्लोराइड, एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा। अब हम रोमन तुमसे पूछते हैं बेटा, क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, क्विक लाइम। तो रोमन कहेगा सर जस्ट आपने बताया तो है, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई थी जिसमें थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आपका चैप्टर यही था ही। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, कहोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ CaO, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा जाता, वो क्विक लाइम लिखा जाता है। क्विक लाइम मतलब, क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। और अगर हम इसके बारे में और समझना चाहें तो और भी समझ सकते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और ऑक्साइड की भी वैलेंसी होती है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO बन करके चला आता है। अब तक तुम्हें कई सारी वैलेंसीज लर्न हो गई है, तो तुम फॉर्मूले खूब सारे अपने आप से बना सकते हो। जैसे तुम्हें एल्यूमिनियम की लर्न हो गई 3 होती है, क्लोराइड की लर्न हो गई 1 होती है, कैल्शियम की लर्न हो गई 2 होती है, ऑक्साइड की लर्न हो गई 2 होती है। बल्कि आपको तो मैंने बताया था कि क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, सबकी वैलेंसी एक ही होती है, क्योंकि इनको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन्स। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जिसको लर्न करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था इनको सीक्वेंस में लर्न कर लो। फ्लोराइड मतलब फिर, क्लोराइड मतलब कल, ब्रोमाइड मतलब कल, आंटी आई, आई मतलब आंटी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कहा फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर का मतलब होता है फ्लोरीन, कल का मतलब होता है क्लोरीन, बाहर का मतलब होता है ब्रोमीन, आई का मतलब होता है आयोडीन, और एटमियम का मतलब होता है अंटी। तो फिर कल बाहर आई अंटी। तो ये हैलोजन्स है, क्या है ये, हैलोजन्स। तो हैलोजन्स में आपको ध्यान देना होगा कि क्या होती है खास बात, हैलोजन्स की खास बात होती है कि इनमें सभी की वैलेंसी क्या होती है, -1 या 1 भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूले समझ लिए। अभी हम लोगों ने रिसेंटली समझा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास स्लेक्ड लाइन। तो स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला बताइए आप बच्चों, क्या होता है स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का रिप्रेजेंटेशन होता है OH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, स्लेक्ड लाइम के भी नाम से जानते हैं। तो रोमन बताओ स्लेक्ड लाइम किसको कहते हैं, वो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल ए, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइन। तो स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला हो गया सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग ने यहां से सीख लिया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो सकता है जो हम लोग को सीखना होगा। तो हम लोग ने काफी सारे फॉर्मूले देखे थे। दूसरा फॉर्मूला आपके चैप्टर में आता है फेरस सल्फेट का। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट क्या होता है,
FeSO4। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट कैसा होता है? ग्रीन इन कलर होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने काफी सारी बातें रिवाइज तो कर ली हैं, तो रिवीजन के साथ साथ हम लोग अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन भी करते हैं जहां तक हम लोग ने पहुंचे थे अपने मैथ्स के लेक्चर। तो मैथ्स के लेक्चर में जहां तक हम लोग पहुंचे थे उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, अब वीडियो ऑफ कर रहे हैं, और तुम भी बेटा वीडियो ऑफ कर सकते हो, और ऑफ करने के बाद हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे, और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग मैथ्स के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने वीडियो ऑफ किया, तुम भी वीडियो बेटा ऑफ कर लो। यस, कर लिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ मैथ्स के लिए क्लास एनसीईआरटी मैथ्स, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लाइन करने जा रहे हैं। तो दिस इज द एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलीनोमियल पेज नंबर 35 एग्जाम्पल लाइन। तो ये एग्जाम्पल लाइन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th एग्जाम्पल लाइन। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इफ यू नो दैट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रूट 2 एंड माइनस 2। तो रोमन बेटा अपने को आपको म्यूट कर लो, अपने आपको म्यूट कर लो। तो जब हम तुमसे पूछे यस या नो का जवाब तब तुम आराम से बताना, अभी क्वेश्चन तुमको आराम से समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 9। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, यदि आप बिगिनर हैं, तो यदि आप बिगिनर हैं तो अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, लेट्स से मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यदि मैं आपसे कहता हूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो तुम कहोगे सर इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है, दिस इज डिग्री 2, डिग्री ऑफ 2, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल है? सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। क्या वो 2 फैक्टर आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सर आपने बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, और सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, और 6 को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि वो 5 बन जाए। तो तुम कहोगे सर यानी कि 2 3 6 भी होता है और 2 और 3 5 भी होता है। तो तुमने कहा सर ये मैंने इसके उठा के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 2 आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 2 आ जाएगा। तो सर इसके फैक्टर हो गए x प्लस 2 x प्लस 3। तो रोमन कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसके जो फैक्टर है वो है x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, यानी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि जिसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 फैक्टर होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, डिग्री 4 है तो उसके 6 फैक्टर होंगे। और रोमन को यह बात पहले से ही पता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता पड़ जाता है तो उस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करके हम उसके दूसरे फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता पड़ गया कि 12 का एक फैक्टर है 2, तो अगर हम 12 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें उसके दूसरे फैक्टर भी पता पड़ जाएंगे, दैट मींस 6 भी उसका एक फैक्टर है। उसी तरीके से बेटा कि अगर आपको पता पड़ चुका है कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान से देखिए ये बड़ी सी पॉलिनोमियल गिवन है, जिस पॉलिनोमियल को अगर आप लिखना चाहें वो है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इस बड़ी सी पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ी सी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, कहोगे सर 4 डिग्री की है। तो उसके कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। और मजे की बात ये है
कि जो फैक्टर्स होते हैं अगर हम उनको इक्वल टू जीरो कर दें, जैसे ये है, मान लीजिए आप इससे ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, अगर आप उनके फैक्टर्स को जीरो कर दें तो जीरो करने से x प्लस टू भी जीरो आएगा और x प्लस थ्री भी जीरो हो जाएगा, तो x बराबर माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, x बराबर माइनस थ्री क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर माइनस टू अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस टू डालने पे क्या आता है, इसमें जीरो आता है और आएगा भी, यानी x इक्वल टू माइनस टू इसका वन ऑफ द जीरो है, वन ऑफ द रूट है, तो x प्लस टू इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो रोमन अगर आप इस छोटे से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पूरा समझते हैं तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बड़े से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो जीरोस गिवन है, एक जीरो है x इक्वल टू रूट टू और एक जीरो है, दूसरा कौन सा जीरो है, x इक्वल टू माइनस रूट टू। ध्यान से देखिए रोमन बेटा, रोमन ध्यान से देखो कि इस बड़े से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर है, एक x इक्वल टू रूट टू है, एक x इक्वल टू माइनस रूट टू है, है ना, क्यों भाई, दो फैक्टर गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस बड़ी सी चार डिग्री की पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपके पास पहले से गिवन है, कौन से, x इक्वल टू रूट टू और x इक्वल टू माइनस रूट टू। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस रूट टू और इसका मतलब हुआ x प्लस रूट टू, क्योंकि माइनस रूट टू को इधर ले आएंगे तो प्लस रूट टू, या प्लस रूट टू को इधर ले आएंगे तो माइनस रूट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि इस चार डिग्री की पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स तो हमको पता ही पड़ गए, एक है x माइनस रूट टू और एक है x प्लस रूट टू, यानी कि इस चार डिग्री की पॉलिनोमियल के एक फैक्टर है x माइनस रूट टू और दूसरा फैक्टर है x प्लस रूट टू, यानी ओवरऑल कहें तो इस चार डिग्री की पॉलिनोमियल के कौन सा फैक्टर हो गया, तो x माइनस रूट टू x प्लस रूट टू, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x स्क्वायर माइनस टू। तो रोमन अपने आप को म्यूट करो बेटा, तुम्हारे कमरे में शोर बहुत है। चलो तो बेटा हम रोमन क्या बता रहे थे कि जो बड़ी सी पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस गिवन है तो दो जीरोस से दो फैक्टर बन गए, तो वो दो फैक्टर है x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, दैट मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, और सभी बच्चे जानते हैं कि रूट टू का स्क्वायर टू होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या बन गया, इज फैक्टर ऑफ फोर डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। तो रोमन कहेगा सर अगर आपको फैक्टर पता पड़ गया है तो आप चार डिग्री की पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास दूसरे फैक्टर आ जाएंगे, और दूसरे फैक्टर आ जाएंगे तो दूसरे जीरोस भी आ जाएंगे, क्योंकि फैक्टर को जब इक्वल टू जीरो करोगे तो जीरोस भी आ जाएंगे। तो रोमन कहेगा सर अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्वेश्चन आसान है लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप कर भी ले जाएंगे, और इस क्वेश्चन में मैं गला फाड़ फाड़ के इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है, वो मैंने आपको समझाने के लिए पहले एक टू डिग्री पॉलिनोमियल लिया उसके जीरो से समझाया, फिर मैंने चार डिग्री पॉलिनोमियल ली उसके जीरो से समझाया। तो अब रोमन क्या कहेगा कि सर हम समझ गए हैं, समझ गए हैं तो सर अब हम चार डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसके फैक्टर से ताकि हमारे दूसरे फैक्टर निकल करके आ जाए। और रोमन ने रिसेंटली सीखा है कि सर कि ये किस तरह से किया जाता है, कैसे सीखा है, कहोगे सर डिवाइड करना मैंने को आता है, तो डिवाइड करना आपने सीखा भी है,
तो बच्चों ध्यान से देखिए, मजे लीजिए और बताइए कि x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x की पावर 4 हो जाए। 2x स्क्वायर तो ये कहोगे सर 2x स्क्वायर 2x की पावर 4, ये हो गया 2×2=4x स्क्वायर। लेकिन लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा जाता है, तो 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। बोलो भाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये साइन बदल गए। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया प्लस का 2x4 माइनस के 2x4 से, और बाकी बचे हुए टर्म हम लिख देंगे। एक बचा है माइनस का 3x3, फिर माइनस का 3 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 1 यानी कि प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x-2। हाँ रोमन, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस क्या आया 6x। तो लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे और रोमन अपना काम करते चलेंगे, साइन बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल करेंगे। ये देखो बेटा कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक एक्स स्क्वायर और एक बचा माइनस 2, ये बचा। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, रोमन कहेगा 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो रोमन कहेगा सर ये तो इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर तो वैसे भी 0 आना चाहिए था, और नहीं आता तो इसका मतलब आप गलत कर रहे होते, है ना। तो सर यहां ध्यान से देखिए, अब साइन चेंज करिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो बेटा जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर नीचे क्या बन गया 0। ठीक है, तो तुम कहोगे रोमन दूसरा फैक्टर निकल आया, दूसरा फैक्टर क्या निकला है, दिस इज 2x स्क्वायर। देखो बेटा रोमन, दूसरा फैक्टर इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये दूसरा फैक्टर निकल के आया इस पॉलिनोमियल का, जिसके आप फर्दर भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप कहेंगे सर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×1=2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×1=2 हो जाएगा, फिर उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि वो 3 बन जाए। तो रोमन कहेगा 2×1=2 भी होता है और 2 और 1 3 भी होता है, तो सर ये इसको स्प्लिट कर लिया गया। फिर सर पेयरिंग की गई और पेयरिंग करने से सर काम हो गया, तो सर इसके फैक्टर हो गए 2x-1 x-1। तो इस 4 डिग्री की पॉलिनोमियल के अगर आप अदर जीरोस निकालना चाहते हैं तो आप फैक्टर्स को आप 0 कर देंगे, तो पहला फैक्टर भी 0 होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 होगा। पहला फैक्टर 0 करेंगे तो x बराबर हाफ आएगा, दूसरा फैक्टर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पे निकल आ गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल के, क्या पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल के दूसरे जीरोस बताओ, तो उस पॉलिनोमियल के दूसरे जीरोस क्या हैं, हाफ और 1। बताओ बेटा रोमन, समझ में आया रोमन? आया, समझ में आया। ठीक बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पास काफी बार एग्जाम्स में सीबीएसई के आ चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने एनसीईआरटी क्लास 10th एग्जाम्पल 9 किया था पॉलिनोमियल से, ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह से है। तो आप देख सकते हैं आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन सीबीएसई, आप ये जरूर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये सीबीएसई 2018 का ही क्वेश्चन है बोर्ड का। कैसे करेंगे, बहुत आसान काम। सबसे पहले आप कहेंगे कि x=√3 और x=-√3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया?
सबसे पहले तो आप यही कहेंगे, फिर ये कहते कहते आप कहेंगे कि अगर x इक्वल टू रूट थ्री, इसका x जीरो है तो x माइनस रूट थ्री और x प्लस रूट थ्री, क्योंकि माइनस रूट थ्री को उधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस रूट थ्री को उधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस रूट थ्री x प्लस रूट थ्री इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो से ही फैक्टर बनता है, फैक्टर से ही जीरो से बनता है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां तक रोमन ने भी किया, यहां तक रोमन का बिल्कुल सही है। अगर ये फैक्टर है तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ताकि हम दूसरे फैक्टर्स भी निकाल पाए। तो डिवाइड करने की भूमिका अब हम लोग यहां पर अदा करते हैं। ये है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 और यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों आप ये बताइए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें। अरे वाह, ये तो तुम राजा बेटा, तो तुम कहोगे x की पावर 4 आ गया माइनस 3x स्क्वायर, तो उसको लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे वरना गलती हो जाएगी, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल इससे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा टर्म बचा, एक बचा x क्यूब माइनस का 23 प्लस का 3, माइनस का 23 प्लस का 3, माइनस का 23 प्लस का 3, दैट इज माइनस का 20x माइनस 3x प्लस 60। अब कहोगे सर अब x मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x और सर फिर से माइनस करिए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, टर्म्स कैंसिल करिए, ये सर टर्म कैंसिल हो गया, ये भी टर्म सर कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, दिस इज माइनस का 20x स्क्वायर प्लस 60 माइनस, क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर प्लस 60। तो रोमन क्या आपका यही आया था, हाँ मेरा यही आया। तो बेटा आप यानी फैक्टर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज हम फैक्टर्स के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, तो आप घर पे करिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को कैंसिल करेंगे, तो ये टर्म्स से कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक, तो तुम कहोगे द अदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आंसर आ गया सर, तो हम लिखते हैं सर द अदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज या आर, आर लिख लीजिए क्योंकि एक से ज्यादा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। कहोगे सर इसके फैक्टर हम नहीं करने पाए, अब 20 के ऐसे फैक्टर करें तो ये 1 आ जाए, तो क्या करोगे, कहोगे 5 4 जा 20, तो x को लिख दो 5x माइनस 4x माइनस 20, इसमें से x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 आया, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 आया, यानी हो गया ये x माइनस 4 x प्लस 5, और दूसरे जीरोस पाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, जैसे ही आप जीरो करेंगे तो x माइनस 4 भी जीरो हो जाएगा और x प्लस 5 भी जीरो हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू 4 आएगा और यहां से x इक्वल टू माइनस 5 आएगा, तो आंसर आ गया 4 और माइनस 5। बताइए भाई रो, आपको समझ में आया, आ गया आ गया आ गया, धन्यवाद धन्यवाद, आ गया क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की आपको आदत होनी चाहिए, हम लोग एक बार करके
तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर क्वेश्चन. ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ द जीरोस आर रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव. तो सबसे पहले बच्चों आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू रूट फाइव एंड दो है ना सॉल्यूशन, एक एक्स इक्वल टू रूट फाइव और एक्स इक्वल टू माइनस रूट फाइव जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ये आपको पहले से ही गिवन है, बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे अभी हम लोगों ने किया है पीछे क्वेश्चन. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू रूट फाइव है यानी कि एक्स माइनस रूट फाइव या एक्स इक्वल टू माइनस रूट फाइव या एक्स प्लस रूट फाइव आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. तो तुम कहोगे एक्स माइनस रूट फाइव भी है एक्स प्लस रूट फाइव भी है, तो दैट मीन स्क्वायर माइनस फाइव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो एक फैक्टर होगा. ठीक है ना, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. तो कहोगे सर बहुत आसान है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर निकल आएगा. तो डिवाइड करना स्टार्ट करिए, ये डिवाइड करने की प्रथा चालू की. देखिए किस तरह से करते हैं. सबसे पहले आपने लिखा x की पावर 4, क्या लिखा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50. ठीक, x स्क्वायर माइनस 5. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2019. चलो तो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर. कैंसिल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस प्लस. तुम बस अब बेटा चेक करते चलो, अब ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 2 प्लस 5, दिस इज प्लस 3 माइनस 20 माइनस 50. टर्म्स कैंसिल करेंगे फिर से, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया. अब सिर्फ बचा है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 15 बचा, प्लस 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 15 आएगा. फिर एक एरो ड्रॉ कर लेंगे, यहां आएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो गया. दैट मींस जो हमने किया वो सही है क्योंकि ये इसका फैक्टर था, तो जीरो तो आना ही चाहिए. हेंस अदर फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 3x प्लस x प्लस 3. हाँ 3 बन जा 3 भी होता है और 3 प्लस 1 4 भी होता है. तो ये बच्चों मैंने आपके सामने फैक्टर करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये इसके फैक्टर हो गए. और फैक्टर अगर जीरोस निकालना है तो हम फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो x प्लस 1 भी जीरो होगा, x प्लस 3 भी जीरो होगा. इसका मतलब यहां से x इक्वल टू माइनस 1 आएगा और x इक्वल टू माइनस 3 आएगा. ये आपके हो गए आंसर. बहुत क्या बात, खूब जमेगा रंग, बहुत क्या बात. तो रोमन आपके लिए हम दो क्वेश्चन अभी होमवर्क में दे रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के साथ जो है भेज रहे हैं. वो अभी आप दोनों क्वेश्चन करिएगा. ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अभी हम आपको लिख के दे रहे हैं. इसमें आप दोनों क्वेश्चन यहीं से 14 15 पॉलीनोमियल वाली एक्सरसाइज सर. नहीं नहीं, हम तुम नोट करो, मैं तुमको दे रहा हूँ, नोट करो पहले. ठीक है, होमवर्क, होमवर्क में आपके पास दो क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए हमारे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, सभी बच्चे होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3 एंड माइनस 3 आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, देन फाइंड अदर जीरोस। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 2 एंड माइनस 2 आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है आपकी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 120, देन फाइंड अदर जीरोस। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको लिख देता हूं। तो आंसर नंबर 1 क्वेश्चन का और आंसर 2 क्वेश्चन का दोनों आपके सामने, मैंने आपको आंसर भी लिख के दे रहा हूं ताकि आपके आंसर पूरी तरीके से मैच करें, ठीक है। तो इसका अदर जीरोस है पहले वाले के 1 और माइनस 2, ये आपके आंसर है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है माइनस 6 और 5, माइनस 6 एंड 5, ठीक है। अदर जीरोस मैंने आपको दे दिए 1 और माइनस 2, माइनस 6 एंड 5, तो ये आंसर्स भी हैं और क्वेश्चन भी है। तो आपको करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इन क्वेश्चंस को करिए, और जब ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए तो मेरे को फोटो खींच के भेजिए, ठीक, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाए फोटो खींच के भेजिए, मैं इसको चेक करूंगा, फिर मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, लेकिन बिना करे इन क्वेश्चंस को उठना नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में, करना जरूर है अभी के अभी। ये दोनों ही सीबीएसई के क्वेश्चन है दूसरे सेट्स के, ठीक है। तो पहले नोट करो, और नोट करने के बाद करो, करके फोटो मेरे को भेज देना, हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।